करके बढ़िया लग रहा है। दिल्ली का मतलब मैं तो सोचता हूँ सर मेरा किस्मत अच्छा है जो मैं यहाँ पहुँच गया। अच्छा। किस्मत खराब रहता तो कहीं और पहुँच जाता, किस्मत अच्छा है जो यहाँ पहुँचा, मतलब पैसा वसूल है। और देव सर की अच्छी रही आज सर हमारी क्लास। क्या क्या बोलेंगे, खाली वो टीचर बोर्नियो पे डिपेंड है, इधर बोर्नियो खोल लेते हैं, इधर ब्लॉक डायग्राम खोल लेते हैं, ये बोर्नियो खोल लेते हैं और दूसरा बोर्ड के ऊपर वो लाइनें डाल देते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं कि देखो इसमें ये लाइन, देखो इसमें ये, देखो वो गलत है सर है? वो बहुत गलत है वो डायग्राम। उनका, उनका बच्चों का भविष्य क्या है, बेकार है सर, भविष्य अंधकार में है, फीस बेकार गई, बेकार गई उनकी, सबके सारे के सारे, सारे के सारे सर, जिसमें डबल डबल चार्जिंग आईसी लगा वो तक सर आपने बोर्ड देखा, लाइव ट्रेसिंग किया उसका सर कुपिन से सर, और आज हमारा चार्जिंग का क्लास था तो चार्जिंग को मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा सर इंग्लिश। अच्छा। और बात करो बोर्नियो की तो जो टीचर बोर्नियो का हार्डवेयर सोल्यूशन से पढ़ाते हैं प्लीज ना पढ़ाए, क्योंकि सर हमने आज 10 दिन का, मैंने 28 तारीख से क्लास से स्टार्ट किया था, आज हमारा 7 दिन है, 10 दिन में मैंने कम से कम 5-6 बक्स निकाला है। अच्छा। बोर्नियो का तो बोर्नियो पढ़ने के लिए वो हार्डवेयर सोल्यूशन पे कोई भी टीचर वो भरोसा ना करे, ना कोई स्टूडेंट, क्योंकि बोर्नियो में बहुत सारे इश्यूज है, उस पर परफेक्ट सोल्यूशन ही है सर। इनसे मैं बोलना चाहता था जो बोर्नियो से भाई मतलब करते हैं काम उसका भी एक उसमें भी बहुत सारे बक्स हैं, मतलब कमियां हैं। चार्जिंग में कई बार चार्जर आईसी कंट्रोल के लिए लगा दिए जाते हैं जो नए लेटेस्ट फोन में भी आ रहे हैं, वो चीज़ कहीं इंस्टीट्यूट में बताया नहीं जाता, ना यूट्यूब में हम सर्च करें तो वो भी नहीं बताया जाता, और बोर्नियो तो हमको धोखा ही दे देता है, ढूंढते हैं उसमें लाइनें नहीं मिलती, एक लाइन एक ही जगह जा रही है, दूसरी लाइन की पता ही नहीं है उसमें। क्या स्पेशल लगा? स्पेशल लगा सर बोर्नियो का जो फॉल्ट होता है वो बताया हमें कि कैसे उससे जो लोग सीख रहे हैं कितनी गलतियाँ कर रहे हैं इसके बारे में बताया सर ने, बहुत बक्स है उसमें इंग्लिश बताया गया कैसे आईसी बाईपास होती है और बोर्नियो के बक्स के बारे में भी बताया गया। अच्छा। उसमें भी गलती होती है। अच्छा। बक्स निकाले बोर्नियो को। हाँ, निकाले और बहुत सारे नीलेश ऐसे इंस्टीट्यूट है कि खाली है ना बोर्नियो को पढ़ा रहे हैं। हाँ। उनका जीवन खाली बोर्नियो पढ़ा, जितनी लाइन को बोर्नियो की तो स्टूडेंट की क्या हालत हो रही है, फीस देके बैठे हैं तो बताओ मेरे को। वो लाइव बताया गया हमने कि कैसे बक्स। तो अपने घर वालों को क्या बोलोगे आप? अभी तो हेलो बोलोगे और थैंक्स यहाँ पे भेजने के लिए। चलिए सभी आप क्या बोलोगे घर वालों को? सर घर वालों को बहुत मेहरबानी की जो यहाँ पे भेज दिए पैसा देके। हाई बोलूंगा सर बहुत अच्छी अच्छी जगह आया हो, एकदम मस्त टकाटक चल रहा है। क्या बोलूंगा सर? क्या सेक्शन था आपका आज का? चार्जिंग सेक्शन। आप सब आई लव यू, ये थोड़ा आप साइड में जाओ। क्या बोलोगे नेपाल से? थैंक यू बोलना चाहेंगे सर। शुक्रिया बोलना चाहता हूँ सर एशिया टेलीकॉम का पूरा टीम का सर। जो बोर्नियो के थ्रू जो फॉल्ट दिखे, जो सप्लाई कहीं जो बोर्नियो में दिखाई है कहीं नहीं दिखाई गई है उसके बारे में सर ने डिटेल में नॉलेज दिया और बहुत बढ़िया क्लास थी सर। पूरी आईसीओ पे बताया सर ने आज हमें कि पर्टिकुलर एक आईसी पे नहीं, सारी आईसीओ का उन्होंने पूरा हमें बताया है सर ने कि किस हिसाब से की जाती है, और बोर्नियो की भी काफ़ी गलतियाँ निकाली हैं सर, और हमने उन गलतियों को देखा भी, बोर्नियो ने काफ़ी गलती की हुई सर उसमें। कोई पर्टिकुलर कोई आईसी से आता है नहीं आता है हमको मालूम नहीं, हम लोग कोडिंग से पकड़ेंगे, और बोर्नियो में जो कोडिंग का जो ये है बाग है वो सब बताया, मतलब देखा हमने जे यहाँ से वो आईसी आगे जाता है, किसी किसी में आपका वो नहीं होता है तो उस टाइम में आदमी का फैमिली एंड फेजू के पैनलों को मेरा नाम है देवदत्त अग्रवाल, आप देख रहे हैं 28 मार्च चार्जिंग आईसी डे। दिखाइए कैसा लगा चार्जिंग डे, बताइए किसको अच्छा लगा, बताइए एंगल समझ में आया कि नहीं? हमने एक चार्जिंग आईसी पढ़ी है या सब चार्जिंग आईसी पढ़ी है? क्या हमने पढ़ा चार्जिंग आईसी को कैसा पढ़ा जाता है? आईसीओ की कोडिंग प्रैक्टिकल में हमने कितनी सारी आईसी देखी यहाँ पर? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?
तो अपने घर वालों को क्या बोलोगे आप? अभी तो हेलो बोलोगे और थैंक्स यहाँ पे भेजने के लिए। चलिए समीर, आप क्या बोलोगे घर वालों को? घर वालों को बहुत मेहरबानी की जो यहाँ पे भेज दिया पैसा देके। हाई बोलूंगा सर, बहुत अच्छी अच्छी जगह आया हूँ, एकदम मस्त टकाटक चल रहा है। क्या बोलूंगा सर, क्या सेक्शन था आपका आज का? चार्जिंग सेक्शन। आप सब आलो व्यू, ये थोड़ा आप साइड में आ जाओ। क्या बोलोगे नेपाल से? थैंक यू बोलना चाहेंगे सर। शुक्रिया बोलना चाहता हूँ सर, ऐसे टेलीकॉम का पूरा टीम का सर, देव सर के साथ। क्या कैसी लगी क्लास आपको? बहुत अच्छी लगी सर। एक्सलेंट। यस सर। क्या 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 विशेषता क्या लगी आपको सर? इससे पहले सर ओनली फॉर ये चार्जिंग सेक्शन बदलना और नहीं हुआ तो उससे आगे फॉल्ट नहीं होता था, लेकिन अब जो भी चार्जिंग सेक्शन के में जो भी प्रॉब्लम आएंगे ठीक है इजीली हो जाएगा जी। चार्जिंग में आज हम लोग एकदम डिटेल से पूरा कहाँ से कहाँ तक क्या होता है सारे समझे। इससे पहले तो हम लोग जब भी दुकान में बैठते थे सिर्फ चार्जिंग जगह चेंज करते थे, इसके अलावा कुछ मतलब पैसा बस बताया गया कैसे आईसी बाईपास होती है और बोर्नियो के बक्स के बारे में भी बताया गया, उसमें भी गलती होती है। बक्स निकाले बोर्नियो को। हाँ, निकाले। और बहुत सारे नीलेश ऐसे इंस्टीट्यूट है कि खाली है ना बोर्नियो को पढ़ा रहे हैं। हाँ। उनका जीवन खाली बोर्नियो पढ़ा, जितनी लाइन को बोर्नियो की तो स्टूडेंट की क्या हालत हो रही है, अगर फीस देके बैठे हैं तो बताओ मेरे को। हाँ। और लाइव बताया गया हमने कि कैसे बक्स में। हम लोगों का देव सर के साथ सुबह 11 बजे से क्लास थी और चार्जिंग की जो जो चार्जिंग होता है कैसे वो काम करता है। हम लोग आईसी से नहीं पढ़े, हम कोडिंग से देखे हैं, कोडिंग कहाँ से होता है, कोडिंग से हम लोग कैसे पढ़ा मतलब जानना है वो हम लोगों को बताया देव सर ने। तो हम लोग कोई पर्टिकुलर कोई आईसी से आता है नहीं आता है हमको मालूम नहीं, हम लोग कोडिंग से पकड़ेंगे और बोर्नियो में जो कोडिंग का जो ये है बाग है वो सब बताया, मतलब देखा हमने जे यहाँ से वो आईसी आगे जाता है, किसी में आपका वो नहीं होता है तो उस टाइम में आदमी का जो स्टूडेंट है वो मतलब वो माथा खराब हो जाता है। मतलब हाँ, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा उसके अंदर, क्योंकि उसका नॉलेज बोर्नियो तक ही सीमित है उसका नॉलेज। तो डायग्राम जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप डायग्राम पढ़ना सीखे, आप एक एक लाइन पढ़ना सीखे, इम्पोर्टेंट लाइन क्या होती है बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में। तो ये जो एक सर्किट डायग्राम का जो होता है आपका सर्किट डायग्राम का कौन व्यक्ति है, कोई रास्ता चलता बता सकते? नहीं सर, वैसा सर नॉलेज होना पड़ेगा। जैसा देव सर है बोला ना, मैंने ज्ञान के सागर है, आप जितना भी ले सकते हो ले लो, आओ यहाँ और ले लो। चलिए, तो देव सर ने बहुत अच्छी तरह से पूरा समझाया और बहुत ही मतलब जहाँ यह ऐसा है कि चार्जिंग में कई बार चार्जर आईसी कंट्रोल के लिए लगा दिए जाते हैं जो नए लेटेस्ट फ़ोन में भी आ रहे हैं, वो चीज़ कहीं इंस्टीट्यूट में बताया नहीं जाता, ना यूट्यूब में हम सर्च करें तो वो भी नहीं बताया जाता। और बोर्नियो तो हमको धोखा ही दे देता है, ढूंढते हैं उसमें लाइनें नहीं मिलती, एक लाइन एक ही जगह जा रही है, दूसरी लाइन की पता ही नहीं है उसमें। तो ये सब सर ने बताया हमको और हमने देखा भी टेस्ट करके, तो सच में बोर्नियो की बहुत सारी गलतियाँ हमको देखने को मिली हैं। अब तो मैं सोचा हूँ कि बोर्नियो की गलती सुधारने के लिए मैं भी घर जाके अब जो नहीं सुधार जहाँ जहाँ वो कनेक्शन नहीं दिया है वो एक डायग्राम बना के मैं भी जोड़ के कम से कम यूट्यूब में डाल दूँ, कुछ किसी का हेल्प हो जाएगा। बेस्ट आपके लिए एशिया टेलीकॉम, मतलब पैसा वसूल सर। चलिए, वो चार्जिंग की क्लास थी जी देव सर के साथ जी। आज मतलब इंडेक्स तो मतलब सर्किट के हिसाब से कोडिंग के हिसाब से समझाया गया है और हमने इसके बाद प्रैक्टिकल किया भी, बढ़िया लगा। ऐसे टेलीकॉम मतलब पैसा प्रिंस है सर। और आज हमारा चार्जिंग का क्लास था जी। तो चार्जिंग को मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा सर इंडलेस। अच्छा। और बात करो बोर्नियो की तो जो टीचर बोर्नियो का हार्डवेयर सोल्यूशन से पढ़ाते हैं प्लीज ना पढ़ाए, क्योंकि सर हमने आज 10 दिन का, मैंने 28 तारीख से क्लास स्टार्ट किया था, आज हमारा 7 दिन है, 10 दिन में मैंने कम से कम 5-6 बक्स निकाला है बोर्नियो का। तो बोर्नियो पढ़ने के लिए वो हार्डवेयर सॉल्यूशन पे कोई भी टीचर वो भरोसा ना करे, ना कोई स्टूडेंट, क्योंकि बोर्नियो में बहुत सारे इश्यूज हैं, उस पर परफेक्ट सॉल्यूशन ही है सर। सबके सारे के सारे सर, जिसमें डबल चार्जिंग आईसी लगे वो तक सर हमने बोर्ड देखा, लाइव ट्रेसिंग किया उसका सर पूरा सेक्शन वाइज। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल, बहुत खुश लग रहा है इतना दिन बाद यार चार्जिंग। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सर, सब समझ में आ रहा है। ऐसे टेलीकॉम मतलब पैसे वसूल। कल से हूँ राम भाई। हाँ, आज हमारा चार्जिंग सेक्शन का क्लास था। हाँ जी, आज इतना ज़्यादा नॉलेज मिला हम लोग, इतना अच्छे से समझाया सर। पहले चार्जिंग कनेक्टर क्या करता था, हम लोग बस चेंज करता था, होगा तो नहीं वरना इतना जानकारी नहीं था सर। अभी हम लोग को पूरा कितना किसे कितना वोल्टेज आता है, कितना तक आता है, कितना जाता है, किधर जाता है। यस सर, ऐसे टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। मेरा चार्जिंग का क्लासेस था, चार्जिंग के बारे में बहुत सारा कोडिंग अपने को नॉलेज में हुआ और प्लस कितना बार ये होता है चार्जिंग का पिन डालते हैं, एक बार दो बार चार्जिंग का एरर आता है,
और अपन जो है नहीं कर पाते तो कस्टमर को रिटर्न दे दें। तो बहुत सारी कोडिंग ऐसा पता चला जो मतलब समझे सर 4-5-10-15 मिनट में चार्जिंग खत्म हो जाएगा। आपको जो उसके की फीचर्स है सारे आपके हाथ में है वो? यस सर। है ना, बस आपको मल्टीमीटर लगाना है, टेस्ट करना है। अच्छा, तो हम इस पे काम करना है, कैसा लग रहा है सब लेवल का काम करके? एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल सर। पूरी आईसीओ पे बताया सर ने आज हमें की पर्टिकुलर एक आईसी पे नहीं, सारी आईसीओ का उन्होंने पूरा हमें बताया है सर ने कि किस हिसाब से की जाती है। और बोर्नियो की भी काफ़ी गलतियाँ निकाली हैं सर, और हमने उन गलतियों को देखा भी, बोर्नियो ने काफ़ी गलती की हुई सर उसमें। और देव सर की अच्छी रही है सर हमारी क्लास। क्या क्या बोलेंगे, खाली वो टीचर बोर्नियो पे डिपेंड है, इधर बोर्नियो खोल लेते हैं, इधर ब्लॉक डायग्राम खोल ले, ये बोर्नियो खोल लेते हैं और दूसरा बोर्ड के ऊपर वो लाइनें डाल देते हैं, स्टूडेंट को बोलते हैं कि देखो इसमें ये लाइन देखो इसमें ये देखो। वो गलत है सर, वो बहुत गलत है, वो डायग्राम उनका बच्चों का भविष्य क्या है? बेकार है सर, भविष्य अंधकार में है, फीस बेकार गई उनकी, बढ़िया लग रहा सर। चलिए, चार्जिंग जैक से लेकर एंड तक अपनी जो सीपीयू है, अपना पावर आईसी, अपनी जो डीक्यू आईसी है, जितने भी सप्लाई है सब सर ने डिटेल में समझाई हमको। और उसमें जो जो बोर्नियो के थ्रू जो फॉल्ट दिखे, जो सप्लाई कहीं जो बोर्नियो में दिखाई है कहीं नहीं दिखाई गई है, उसके बारे में सर ने डिटेल में नॉलेज दी है। और बहुत बढ़िया क्लास थी सर। चार्जिंग को करने का, चार्जिंग को रिपेयर करने का, रिपेयरिंग का, बाईपास का सर पूरा फंडा पूरा, मतलब एक 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 नया थॉट मिला कि नहीं मिला आपको, नई चीज मिली कि नहीं मिली सर? और सारा कोडिंग पे काम, सारा कोडिंग पे काम है उसके अंदर। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ऐसे टेलीकॉम मतलब पैसा। चलिए, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम अक्षम है, यूपी से हूं सर। आज देव सर के साथ चार्जिंग आईसी की क्लास थी, जिसमें वो कैसे बाईपास करना, कैसे जितनी जी आ रहा ना, कितनी कोडिंग सारा बताया सर ने डेफली। फिर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं आखिरी में यही पूछना चाहूँगा, एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वैसा? सर माझे नाव है बाट कृष्ण कापगते, मैं गोंदिया महाराष्ट्र हूँ आलेला हूँ। आज आमच्या चार्जिंग सेक्शनचा क्लास होता, त्याच्यामध्ये देवसरांनी आम्हाला एकदम डीपली नॉलेज दिला, त्याच्यामध्ये चार्जिंग सेक्शन आमच्या कोणत्या कोणत्या आयसीसोबत जुळलेला आहे ते सर्व आयसीचे आयडेंटिफिकेशन केलं आम्ही। त्याच्यामध्ये सरांनी आम्हाला लाईव्ह दाखवलेलं आहे, म्हणजे चार्जिंग सेक्शन आपला कोणत्या कोणत्या आयसीसोबत कनेक्ट होतो ते सर्व आयसी आम्हाला कोडिंग वाईज सांगितलं आहे। जो हमको चार्जिंग बनाने में हमको एरर आ रहा था ना, वो आज फिनिश हो गया जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एसटी टेलीकॉम मतलब फुल पैसा वसूल सर। से लेकर यंग लेस्टर सेक्शन को डायग्नोस किया और सर ने जो डीपली नॉलेज दिया, यंग लेस तक दिया, सब करके बहुत बढ़िया लगा। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल सेक्शन पे थे देव सर ने, हम क्लास लेने वाले थे सेक्शन में। चार्जिंग सेक्शन को, चार्जिंग को टाइपहरु, सबै टाइपहरु सँगसँगै चार्जिंग सेक्शनमा आउने समस्याहरु, चार्जिङ सेक्सनमा भएको 9 वोल्ट र 12 वोल्टको आइसीलाई कसरी बाइपास गर्ने भनेर पनि सबै डिपली नलेज दिनुभएको थियो। सँगसँगै बोर्नियोले चार्जिङ सेक्सनमा गरेका गल्तीहरू, के कति गल्तीहरू छन्, त्यो गल्तीहरू धेरै गल्तीहरू थिए बोर्नियोमा, त्यो गल्तीहरू पनि आउँदै आएर चार्जिङ सेक्सनको बारेमा सबै डिपली नलेज दिनुभयो। प्लस अनि यतिसम्म नलेज सायद पाइन्थ्यो पाइँदैन थियो, नेपालतिरै भएको भए थियो, उतै रुममा लिन्थ्यो होला। अब यहाँ आएर फर्स्ट टाइममा म त पहिलोचोटि आएको, मैले मोबाइल खोल्नु पनि खोलेको थिएन, मोबाइलको बारेमा जानकारी पनि थिएन, यहाँ आएर यति धेरै नलेज लिनु पाएँ, मलाई त त्यति डिपली त अझै पनि थाहा छैन। जस्तो साथीहरूले भन्छन् हामीले यो यो फल्ट भेटाएको थियौँ, यस्तो थियो, हामीले गर्न सकेका थिएनौँ भनेर जति कुरा गर्नुहुन्छ साथीहरूले, त्यो सुन्दा चाहिँ मलाई पनि अचम्म लाग्छ, हो म त राम्रै ठाउँमा आएछु जस्तो लाग्छ। नेपालबाट अरू पनि जो जो साथीहरू आउन चाहनुहुन्छ, जो जो पनि आउन खोज्नुहुन्छ, एसिया टेलिकमले तपाईँहरूलाई सधैँ स्वागत गर्छ। तपाईँहरू अन्तरुमा लिन छोडेर एसिया टेलिकममा आउनुहोस्। प्लस यहाँ हाम्रो एसिया टेलिकममा बोर्नियोको माध्यमबाट नगर डायग्रामको माध्यमबाट पढाइन्छ, यति नलेजेबल कुराहरू सिकाइन्छ यहाँ, यति धेरै कुराहरू सिकाइन्छ। यस्तो सिक्न पाउने मौका सायद अरू इन्स्टिच्युटमा कुनै पनि इन्स्टिच्युटले दिँदैन होला यति राम्रो नलेज चाहिँ। एसिया टेलिकमलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, घरबाट मलाई यहाँ पढ्न पठाइदिनु भयो त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। एसिया टेलिकम मतलब पुरा पैसा हासिल छ। चलिए, मेरो साथ एक और स्टुडेन्ट है, मेरा नाम प्रदीप चौधरी है और मैं नेपाल से हूँ जी। आज हमारी देव सर के साथ क्लास थी चार्जिंग सेक्शन की जी, उसमें चार्जिंग सेक्शन से जितना भी प्रॉब्लम आता है उसका डीपली नॉलेज मिला जी। और हम लोगों को आईसी को बाईपास कैसे करते हैं वो भी नॉलेज मिला। पहले तो वो आईसी से समस्या आता था तो सेट ही रिटर्न हो जाता था। पर जो आज मतलब जिस तरह से मतलब हम लोगों को सिखाया या ट्रिक बताया है, एकदम चार्जिंग पिन मतलब सब बोर्ड से चार्जिंग पिन उखड़ जाए या उसका पूरा प्रिंट कंपोनेंट उखड़ जाए, तो किस तरह उसको ट्रैक करना है, किस तरह उसको मतलब जंपर वगैरह मारना है, उसका मेन बोर्ड में जाके कितने टाइप की आईसी चार्जिंग आईसी होती है, किस तरह उसको बाईपास किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई कंपोनेंट उखड़ जाए तो किधर से किधर जंपर मारना, मतलब हम लोगों ने खुद उसका एक डायग्राम बना के खुद उसको हम लोगों ने ट्रैक किया, ट्रेस किया, तो मतलब एकदम प्रॉपर मिला सर नॉलेज। उसके बाद एक और बात जो मतलब बहुत दिन से मैं बोलना चाहता था, जो बोर्नियो से भाई मतलब करते हैं काम,
उसका भी एक उसमें भी बहुत सारे बग्स हैं, मतलब कमियां हैं। तो उसमें सर हमको डायग्राम से मतलब थोड़ा बहुत मतलब देव सर जो बताते हैं तो डायग्राम से हम लोग सीखे हैं और एकदम एक नंबर का मतलब डीप नॉलेज मिला सर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल सर। तो देव सर ने हम लोगों को पूरा इसके बारे में फुल नॉलेज दिया, डीप तक एकदम एंडलेस सॉल्यूशन सब दिया, कैसे जंपर करना है, कौन सा आईसी है, पोर्ट वगैरह सब दिया, इसमें बीपीएस को कैसे बाईपास करते हैं, पूरा ट्रैक वगैरह हर एक चीज़ बताया गया था। ऐसा कोई सा आईसी बचा जो चार्जिंग आईसी मोबाइल में होता है और वो आपको नॉलेज नहीं है? आपको हर चीज की, हर आईसी की कोडिंग पता है आपको? जी बिल्कुल, सीपीयू बैच बताया गया था, ये सीपीयू बैच में कौन सा पाया जाएगा। कोई सी छोड़ी है क्या? नहीं सर, जो मोबाइल में आती है कोई सी छोड़ी हो तो बताओ मेरे को। नहीं छोड़ी, जितनी भी आती है सबको बताया गया और एकदम बारीकी से और अच्छी तरह से बताया गया। कैसा लग रहा है सब करके? बढ़िया लग रहा है। मैं टेलीकॉम मतलब मैं तो सोचता हूँ सर मेरा किस्मत अच्छा है जो मैं यहाँ पहुँच गया। अच्छा। किस्मत खराब रहता तो कहीं और पहुँच जाता, किस्मत अच्छा है जो यहाँ पहुँचा, मतलब पैसा वसूल है। बहुत देवव्रत सर, देवव्रत सर ने हमें पढ़ाया, मतलब सारी कोडिंग दिमाग में। हाँ, बस कोडिंग का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। कोडिंग ध्यान रहेगा तो मतलब मान लो एक भी मोबाइल वापस नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।